नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोरू सागर। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी अच्छी डिवाइस के बारे में। मेरे पास आ रखी एक काफ़ी अच्छा बॉक्स है, देखते हैं क्या वो आपके काम का रहता है या नहीं। या आप राइटर्स हैं और एक आपका ग्रुप है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी डिवाइस है ये, और काम में आ सकती है आगे भी, क्योंकि कैसे ही काम करते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, उसको चलते हैं और देखते हैं ये आपके क्या काम आ सकती है और आप इसे कैसे और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक राइडर्स हैं तो आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। एक डिवाइस होती है जो अपने हेलमेट में लगाते हैं, इंटरकॉम कह सकते हैं, आपस में एक दूसरे राइडर से कनेक्ट करने के लिए। तो मेरे पास है ये BT-S3 और काफ़ी अच्छा डिवाइस, मैंने इसको पहले यूज़ कर लिया है, उसके बाद ही मैंने चलो पहले यूज़ करते हैं उसके बाद इसका वीडियो बनाएंगे। अब ये कैसे काम करती है और कैसे हम आपस में कनेक्ट होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह के दो छोटी छोटी सी डिवाइस रहेंगी और दोनों डिवाइस को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे ये हेलमेट में माउंट करेंगे, ये हर चीज़ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये छोटी छोटी सी दो डिवाइस हैं और ये काफ़ी यूज़फुल हैं अगर आप एक राइडर्स हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें पहले बाहर निकाल के दिखा देता हूँ क्या क्या इसके अंदर। अब मैं दिखाता हूँ कि ये दोनों डिवाइस को आपस में कनेक्ट कैसे करना है या पेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें से लॉन्ग प्रेस दोनों के पावर बटन को दबाए रखना है, उसके बाद इसके अंदर एक लाइट जलेगी, देखिए ब्लू कलर की लाइट जल रही है। अब ये रेड और ब्लू दोनों तरीके की चलने लगेगी। अब ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और ठीक है। और अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ ये कि दूसरी डिवाइस में कनेक्ट हुआ है या नहीं पे। और जैसे मैं एक बार ये अपना रेड बटन दबाऊंगा, कोई सी भी डिवाइस का एक दबाना है एक बार खाली, और अब यहाँ पे इसकी आवाज़ आना चालू हो गई होगी। देखिए एक साउंड आई आपको और अब मेरी आवाज़ आना चालू हो चुकी है। हेलो, आपको ये मेरा माइक है, ये वाला मेरा माइक है और ये दूसरी डिवाइस का है, और इसको लगाता हूँ मैं इसके ऊपर। तो अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, आ रही है तो देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये दूसरा माइक है यहाँ पर, और आपके बिल्कुल जस्ट कैमरे के ऊपर है और आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसको जैसे डिस्कनेक्ट करना है तो क्या करना है, हमें रेड बटन को एक बार दबाना है। एक बार रेड बटन दबाइए बस, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आवाज खत्म हो चुकी है। तो सिंपल है, और एक बार गाड़ी में मतलब हेलमेट में लगा के दिखाते हैं कैसे ये काम करती है डिवाइस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलमेट के ऊपर यहाँ पे माउंट कर दिया है। सिंपल है, जब आपके पास आएगी ये डिवाइस तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसका वायर अंदर डाल दें इसकी पैडिंग के अंदर, और एक स्पीकर देखिए आपने यहाँ लगा रखा है मैंने, ठीक है, और एक स्पीकर इसका इधर साइड में लगा रखा है, और यहाँ इसका माइक है ये, ठीक है। और बिल्कुल एक बार पहन के दिखाता हूँ मैं कि कोई परेशानी नहीं होती इस तरह से, और बिल्कुल भी मतलब कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कि कहीं पर वायर अटक रही हो या माइक हमारे मुंह पे लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अब हम देखेंगे कि ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरी डिवाइस है और इसको आपके पास रखते हैं, और मैं इसको पहन के फिर बाहर जाता हूँ और देखते हैं आपस में काम करता है या नहीं करता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे इसमें, इस वाली डिवाइस में लाइट जल गई है, अब इसका रेड लाइट जल जाएगी, रेड और ब्लू दोनों लाइटें जल गई हैं। और अब आप इसका माइक रखेंगे आप अपने पास में, और मैं ज़रा दूर से बोलूँगा और देखते हैं ये काम करता है। बस आप इसको यहाँ दिखाते रहो। तो अभी शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, एक बार वहाँ से आप कुछ अपने पास से बोलिए। हेलो, हाँ मेरी यस बिल्कुल आ रही है आपको, आपको मेरी आवाज आ रही है। तो एक बार आप मेरे को दिखाइए कैमरे से कि मैं कितना दूर हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इतनी दूर हूँ और आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, आप सुन सकते हैं वहाँ पर मेरी आवाज को कि बिल्कुल बढ़िया काम करता है। और ये चलते समय 120 की स्पीड में भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई बंदा हमारे सामने बैठा हो, मतलब घर पे बैठा हो, कोई भी शोर शराबा होता है ना, तो विंड नॉइस इस टाइप की कोई परेशानी नहीं होती। और देखिए गाड़ी का बिल्कुल सिंपल है, एक बार दबाएंगे आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो
अभी देखिए आवाज बिल्कुल बंद हो चुकी है, एक बार दोबारा जाऊंगा और आवाज दोबारा है आना चालू हो जाएगी। देखिए अभी आपको मेरी आवाज फिर से एक बार दोबारा आना चालू हो गई, आ रही है आवाज मेरी? ओके यस, तो यही था, एक काफी अच्छी डिवाइस है, काम की और यूजफुल भी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।